हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि क्रस्टोज लाइकेन को आप स्पोर्ट में 3 मिनट के अंदर आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो लिखेंगे गिवन प्लांट मटेरियल इज क्रस्टोज लाइकेन, हिंदी वाले लिखेंगे। निम्नलिखित दिया गया जो प्लांट स्पेसिमेन है वो क्रस्टोज लाइकेन है, इनमें से किसी की भी, ये जो आपको क्रस्टोज लाइकेन जो दिखाई दे रहा है अलग अलग वेराइटी, इनमें से कोई भी जो पिक्चर है वो आपके सामने स्पॉट में रख सकते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर आपको जो पथरीली जो जमीन है या स्टोन्स हैं, चट्टाने हैं या पेड़ की जो छाल है, यहाँ पर आपको इस तरह से रंग बिरंगे जो लाइकेन है वो दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपको पॉइंट वन लिखना है डायग्राम का। जब डायग्राम के बारे में आप लिखेंगे तो आप इनमें से कोई भी जो डायग्राम है वो आप अपनी कॉपी में एग्जाम प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर डायग्राम बना सकते हैं। इसमें लेबलिंग के अंदर आप लिख सकते हैं सिर्फ फ्लैट थैलस। दूसरा आप इसमें ये लिख सकते हैं डायग्राम में ही कि इस थैलस के अंदर पॉलीगोनल एरियाज के अंदर एरियोल नामक क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पॉलीगोनल एरियाज हैं, इनको एरियोल कहते हैं। ये दो ही लेबलिंग आप डायग्राम के अंदर करना। अब बात करते हैं हम कमेंट्स की, तो कमेंट में आप लिखेंगे कि ये फ्लैट और स्केल लाइक क्रस्टोज लाइकेन का थैलस होता है। इस क्रस्टोज लाइकेन के अंदर लाइकेन बहुत ही पतली परत यानी कि क्रस्ट बनाता है और यह जो आधार है सबस्ट्रेटम है उससे यह एकदम चिपकी हुई या जुड़ी हुई अवस्था के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। फिर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, इनका नीचे का कोई भी लोअर सरफेस नहीं होता है और सबस्ट्रेट के पैरेलल के अंदर ये ग्रोथ करते हैं। फिर बताते हैं कि ये जो ग्रोज है वो बार्क, स्टोन या जो चट्टाने हैं इस पर ये वृद्धि करता है। पहले भी मैंने ये लाइन डिस्कस कर ली है कि थैलस के अंदर पॉलीगोनल एरियाज पाए जाते हैं जिसे एरियोल कहते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें ग्रैफिस, लेकेनोरा, स्ट्रीगुला, राइजोकार्पोन, वेरुकेरिया और लेसिडिया इत्यादि। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्रस्टोज लाइकेन में किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन लिखना है। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा लिखना है आपको, आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम को लेबल कर सकते हैं, और तीसरा आपको कमेंट लिखना है। थैंक यू।